कैसा होगा दोस्तों, मैं होगा स्टूडेंट, आप देख रहे हैं सेल्फ ह्यूरिक। गाइस आप सबको पता है कि व्यायाम की कंप्लीट सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। जो लोग रेगुलर व्यूअर्स है दे नो कि सर ने व्यायाम का कंप्लीट एक सीरीज स्टार्ट किया, जिस सीरीज के अंदर स्टार्ट टू एंड व्यायाम के हर एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो ये टॉपिक है, जो आज का ये सीरीज है, सीरीज हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन व्यायाम इंटरव्यूज। ठीक है, व्यायाम के इंटरव्यू में कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। आप लोगों ने प्रॉमिस किया था कि आप सर चाहे जितना बड़ा वीडियो बनाएंगे, वी आर गोइंग टू वॉच द कंप्लीट वीडियोस, और साथ ही साथ आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको वीडियोस कैसे लगे। तो चलिए शुरू करते हैं भाई, व्यायाम के अंदर अगर हम लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो क्या क्या प्रिपरेशन करके जाना चाहिए। गाइस अगर आप व्यायाम के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो मैक्स पॉसिबिलिटीज होगी कि जो रिक्वायरमेंट होगी वहां पर रैबिट पर होगी या फिर टेकला पे होगी, क्योंकि व्यायाम का कंप्लीट प्रोसेस है और उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए सॉफ्टवेयर मेन है, रैबिट है, टेकला है और नेविसवर्क है। ये तीन मेन टॉपिक्स लाइक कर सकते हो सॉफ्टवेयर हैं जो इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में काफी हेल्प करते हैं, तो इनसे क्वेश्चन पूछना फिक्स है। ठीक है, जैसे कि रैबिट में अगर पूछू तो रैबिट के जो फाइल फॉर्मेट्स है, ठीक है, मैं डिस्कस करूंगा कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी अलग से, पहले हम लोग रैबिट के जो सॉफ्टवेयर है जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो बात करते हैं रैबिट, तो रैबिट के अंदर जो रैबिट के फाइल फॉर्मेट्स हैं, चारों फाइल फॉर्मेट्स आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से फाइल फॉर्मेट अभी फाइल एक्सटेंशन होते हैं, आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। इसके साथ आपको पता होना चाहिए कि रैबिट के अंदर हम लोग रैबिट के अंदर पैरामेट्रिक फैमिली क्या होती है, नॉन पैरामेट्रिक फैमिली क्या होती है, नेस्टेड पैरामीटर्स और फैमिलीज क्या होती है, तो मतलब फैमिलीज का क्रिएशन आपको जरूर पता होना चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि हम लोग किस तरीके से रैबिट के अंदर शॉर्टकट कीज को प्रोवाइड कर सकते हैं, बहुत आसान है। अगर आप लोगों ने यूट्यूब पर हमारे लेक्चर्स देखे होंगे तो डेफिनेटली पता होगा, फाइल मेनू में जाके ऑप्शन में जाएंगे, वहां पर शॉर्टकट कीज आप सेट कर सकते हैं किसी भी चीज का। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि पर्ज कमांड का यूज क्या करते हैं रैबिट के अंदर, अनवांटेड फाइल को रिमूव करने के लिए जनरली करते हैं, तो जानना चाहिए आपको कि पर्ज कमांड का क्या यूज है रैबिट के अंदर। उसके बाद आपको पता होना चाहिए मॉडल लाइन, ठीक है, रेफरेंस लाइन, रेफरेंस प्लेन में डिफरेंस, और ये क्या क्या काम करते हैं, रेफरेंस प्लेन क्या काम करता है, मॉडल लाइन क्या काम करता है डिटेल में, और रेफरेंस लाइन और रेफरेंस प्लेन में डिफरेंस क्या है, ये भी क्वेश्चंस लोग पूछ लेते हैं तो याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ लोग पूछते हैं कि भाई हम लोग रैबिट के अंदर शो सेफ हैंडल कमांड का यूज क्या करेंगे, तो शो सेफ हैंडल क्या करता है, जैसे कि आपकी कोई वॉल है उसके अंदर आपको 8 फीट तक टाइल लगाना है, तो उस वॉल को ब्रेक करके, ब्रेक तो क्रिएट पार्ट से आप करेंगे, उसके बाद उसको 8 फीट 10 फीट जितने पर सेट करना चाहें, तो शो सेफ हैंडल कमांड प्रॉपर्टी बॉक्स होता है जहां से आप कर सकते हैं। उसके बाद पता होना चाहिए कि सीट को कैसे क्रिएट करते हैं, व्यू के अंदर जाते हैं, सीट ऑप्शन लेते हैं, A4, A3 जो भी लेना है ले लीजिए और सीट खुल जाती है व्यू के जस्ट नीचे ही। आप लोग अब ये कौन समझ पाएगा जिन्होंने रैबिट को अच्छे से देखा हुआ है, नहीं देखा हुआ है तो 25 तारीख से न्यू बैच स्टार्ट हो रही है गुरुकुल की, BIM की स्पेशली बैच चल रही है मॉर्निंग में 7:30 से 9, कल उसके लिए कंप्लीट वीडियो आपको मिलने वाला है कि कैसे कैसे क्या क्या होने वाला है, तो आप देख लीजिएगा, कंप्लीट आपको टीज कर दिया जाएगा। तो व्यू के अंदर जाएंगे तो वहां से आप जो भी व्यूज आपको चाहिए अपने उस सीट के अंदर, उस सीट के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। अब सीट का साइज आपको जरूर पता होना है, सीट के डिफरेंट डिफरेंट साइजेस क्या क्या है, एनोटेट का क्या काम है, टैगिंग का क्या काम है, ठीक है, रूम कमांड का क्या काम है, ठीक है, सब आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, सेपरेट रूम सेपरेटर कमांड का क्या काम है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो एक्सट्रूड है, अपना लॉफ्ट है, उसके बाद आपका स्वीप है, स्वीप ब्लेंड है, इनके काम क्या क्या है, वाइड एक्सट्रूजन क्या है, वाइड एक्सट्रूजन को यूज कैसे करेंगे इसके बारे में, वाइड स्वीप को कैसे यूज करेंगे इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डॉर्मर का क्या यूज है, डॉर्मर को क्रिएट कैसे करते हैं इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रूफ के कौन कौन से टाइप्स आपके रैबिट के अंदर अवेलेबल है, उन टाइप्स को हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, रूफ बाय फुटप्रिंट कैसे करेंगे, रूफ बाय एक्सट्रूजन कैसे करेंगे, तो आपको इनके टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए कि हम लोग रूफ के टाइप्स को कैसे यूज करेंगे, एरे कमांड के बारे में पता होना चाहिए कि एरे के कौन कौन से टाइप्स हैं, एरे के टाइप्स के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए, क्रॉप कैसे करेंगे किसी भी इमेज को, आपको नीचे देखा होगा आपने रियलिस्टिक व्यू साइड व्यू जहां से करते हैं उसके बगल में क्रॉप व्यू का ऑप्शन है, क्रॉप कैसे करेंगे आपको पता होना चाहिए, मटेरियल्स के अंदर जाके जो मैनेज करते हैं मटेरियल्स होता है, मटेरियल्स में जाके पैटर्न कैसे डालेंगे, बम्प कैसे करेंगे, डिफ्यूज कैसे करेंगे, रिफ्लेक्शन कैसे इंक्रीज करेंगे, तो मतलब मटेरियल का पूरा गेम आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि मटेरियल एक इंपॉर्टेंट चीज है भाई, मटेरियल के बिना कैसे रेंडर करोगे, और जब रेंडर की बात आए तो रेंडर में आपको नॉर्मल रैबिट से रेंडर कैसे करेंगे, क्वेश्चन बहुत पूछा जा
रहा है आजकल मार्केट में कि क्लाउड रेंडरिंग क्या होती है। क्लाउड रेंडरिंग मतलब होता है आपकी जो फाइल है उसको रेंडर कर दिया जाए रेबिट के सॉरी ऑटोडेस्क के क्लाउड से। जस्ट आप क्लिक करेंगे वहां पर क्रेडिट्स खरीदना पड़ता है ऑटोडेस्क की तरफ से, तो आपने खरीद लिया अगर क्रेडिट तो आप वहां पर दे सकते हैं, वो खुद से रेंडर करके आपके मेल पर भेज देगा। तो क्लाउड रेंडरिंग बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है रिसेंट कुछ इंटरव्यूज में, बच्चों ने बताया कि सर पूछा गया हमसे। उसके बाद आपको क्या बोलते हैं ये आप लॉग आउट कैसे करेंगे, मतलब कि लेआउट कैसे करेंगे रेवेन्यू स्ट्रक्चर्स के अंदर, वो आपको पता होना चाहिए कि जीए ड्राइंग्स कैसे क्रिएट करेंगे, असेंबली ड्राइंग्स कैसे क्रिएट करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि हम लोग अगर किसी भी ड्राइंग को बना के दे रहे हैं जैसे कि सॉफ्ट ड्राइंग, तो सॉफ्ट ड्राइंग होती क्या है इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि सेट ऑफ ऑल द ड्राइंग्स इज कॉल्ड सॉफ्ट ड्राइंग्स। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो रेविट आर्टिक्चर रेवी स्ट्रक्चर में, रेवी स्ट्रक्चर में कुछ और भी क्वेश्चन जैसे कि कवर कितना प्रोवाइड करेंगे, रेनफोर्समेंट कैसे लगाएंगे, टाइज और स्टीरप्स, अब ये बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, टाइज और स्टीरप्स के बीच में डिफरेंस क्या है, मिनिमम डाया बार्स कॉलम क्लिक कितना यूज करेंगे, मैक्सिमम डाया बार्स स्लैब क्लिक कितना यूज करेंगे, कमेंट करके बताओ मैक्सिमम डाया बार्स स्लैब क्लिक कितना यूज करेंगे। ठीक है, कॉलम के लिए तो आपको पता है कि मिनिमम 12 का यूज करेंगे। ठीक है, स्लैब के लिए कैसे करेंगे, आप स्लैब जब लगाओगे तो वन बे टू वे भी तो देखोगे ना कि वन बे है कि टू वे है, तो वन बे टू वे में डिफरेंस क्या है, उनमें वन वे में रेनफोर्समेंट कैसे लगाते हैं, टू वे में कैसे रेनफोर्समेंट लगाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जब रेवी स्ट्रक्चर की बात हो रही है तो बीबीएस की बात ना है, ऐसा हो नहीं सकता है, तो आपको बीबीएस का नॉलेज होना चाहिए कि हम लोग बीम का बीबीएस, देखिए वीडियो बड़ी बन रही है, आपने बोला था इसलिए बना रहा हूं बड़ी वीडियो, तो इसको आप कंप्लीट वॉच करना, आपकी गारंटी है। अगर मुझे क्योंकि ऑफकोर्स मैं एवरेज वीडियो रेशन तो देखने वाला हूं, अगर आप लोगों ने कंप्लीट इससे बड़े वीडियोस को प्रेफरेंस दिया तो मैं नेक्स्ट वीडियो और बड़ी और डिटेल में जाने की कोशिश कर पाऊंगा। तो आपको बीबीएस बीम का कॉलम का फुटिंग का स्लैब का बीबीएस निकालना अच्छे से आना चाहिए। स्टेयरकेस कैसे प्रोवाइड करेंगे, स्टेयरकेस को कैसे तरह तरह से स्केच करेंगे इसके बारे में पता होना चाहिए। रैंप का क्या काम है, रैंप को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, स्टेयरकेस के अंदर रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको स्टील के कनेक्शन यानी अपेक्स हंजेस है, ठीक है, पिन सपोर्ट पिन प्लेट है, इन प्लेट है, कैसे लगाएंगे, कौन सी प्लेट कहाँ लगाते हैं। अब स्टील में जब घुसा है कोई तो सामने वाला पूछेगा ना कि ISMB क्या है, ISLB क्या है, ISHB क्या है। अब ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको ISMB पता है कि इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम और ISHB मतलब हाई स्ट्रेंथ बीम, तो आपको पता होना चाहिए कि सबके अलग क्या बोलते हैं फुल फॉर्म क्या है। तो ISMB ISHB ये सबके आपको ISLB के बारे में पता होना चाहिए। एंगल सेक्शन से और आई सेक्शन में कौन सा कहाँ लगाना चाहिए, कॉम्प्रेशन जोन में क्या लगाना चाहिए, टेंशन जोन में क्या लगाना चाहिए इसके बारे में पता होना चाहिए। ट्रसेस होते हैं रेवी स्ट्रक्चर के अंदर, तो पार्ट ट्रस का काम क्या है, हाउ ट्रस का काम क्या है, ठीक है, और वैरन ट्रस का काम क्या है, अलग अलग टाइप के किंग ट्रस का काम क्या है, क्वीन ट्रस का काम क्या है, कौन सा कहाँ लगाते हैं उनके बारे में आपको डिटेल जानकारी होना चाहिए। आप अगर चाहे तो आप नीचे कमेंट करिए कि टाइप्स ऑफ ट्रसेस के बारे में एक स्पेशल वीडियो बनाइए, क्योंकि टाइप्स ऑफ ट्रसेस लगभग लगभग एक घंटे का टॉपिक है। टाइप्स ऑफ ट्रसेस में हर एक ट्रस के अलग अलग टाइप्स हैं, उसको क्रिएट करने का अलग टाइप, आप चाहे तो नीचे कमेंट करेंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं डेफिनेटली गुरुकुल में तो पढ़ाता ही हूँ तो आपको भी पढ़ा दूंगा कि टाइप्स ऑफ ट्रसेस कौन कौन से होते हैं। ये कुछ मैंने रेवी आर्टिक्चर रेवी स्ट्रक्चर को छेड़ा है। अब चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि टेक्ला के बारे में। टेक्ला में आपको ग्रिड कैसे क्रिएट करेंगे, सबसे पहले तो यही पूछे जाने वाला है, ग्रिड कैसे क्रिएट करेंगे, यूनिट कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको काफी लोगों को नहीं पता रहता है ये भी पूछ लेते हैं। उसके बाद क्वांटिटी, मतलब कि आपको कोई मटेरियल बना लिया, मटेरियल बनाने के बाद उसकी क्वांटिटी निकालनी है, मतलब मटेरियल टेक ऑफ, तो मटेरियल टेक ऑफ कैसे यूज करेंगे। तो मटेरियल टेक ऑफ के बाद आप पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना लिया, आपको स्टार्ट टू एंड कंप्लीट डिटेल चाहिए, तो उस डिटेल के लिए हम लोग कौन सी कमांड को यूज करेंगे जिससे कि हम लोग पूरा का पूरा एक्सेल में डाटा को कन्वर्ट कर सके, यानी बोल्ड को कन्वर्ट कर सके, पैनल्स को कन्वर्ट कर सके, उसके लिए कमांड होती है, इसका नाम है ऑर्गेनाइजर कमांड। ऑर्गेनाइजर कमांड से आप कंप्लीट डिटेल निकाल सकते हो कि कितने का बार लगा है, कितने का जंक्शन पे क्या, कितने स्टील लगा हुआ है, फुल डिटेलिंग ऑर्गेनाइजर कमांड जिसने भी टेक्ला को चलाया है देनो की ऑर्गेनाइजर कमांड के बारे में पूछते हैं। थोड़ा तेज बोल रहा हूँ क्या, कमेंट कर बता देना, क्योंकि कमेंट मतलब मेरे दिमाग में रहता है क्या इतना कुछ तो है, कैसे कवर करूँ जल्दी जल्दी से जिससे कि सभी लोग वॉच करके सबको पता चल जाए कि ये चीजें हमको जरूर पढ़ना चाहिए। उसके बाद ऑर्गेनाइजर कमांड के बाद आपको मटेरियल टेक ऑफ तो जानना ही जानना है, बोल्ट की ड्राइंग कैसे क्रिएट करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है कि आप मॉडलिंग तो कर ही लोगे, मॉडलिंग करने के लिए आप रेडियल एरे को कैसे यूज करोगे, मतलब कि जो सर्कुलर फॉर्म में कुछ बनाना है तो उसको कैसे यूज करोगे, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद आप इसको इन सबको जो बनाया उसको जी ड्राइंग में कैसे बनाओगे, मतलब जी ड्राइंग कैसे क्रिएट करोगे, असेंबली ड्राइंग कैसे क्रिएट करोगे, सिंगल पार्ट ड्राइंग कैसे क्रिएट करोगे, प्लस ये होते क्या है,
इनकी भी प्रिपरेशन रखो कि होते क्या है, शॉर्ट ड्राइंग होता है क्या है, बता दिया मैंने रेलवे स्ट्रक्चर में, और इनकी एडिटिंग कैसे कर सकते हो, मतलब सीट पर आप अपने कंपनी का नाम, अपने कंपनी का लोगो, ये सब कैसे एडिट कर सकते हो, इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। तो अगर इतने टॉपिक्स आपने टिकला में पढ़ लिए तो समझिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो आपके आराम से कवर हो गए। बाकी टिकला का भी मैंने पूरा वीडियो लेक्चर्स आपको 40 घंटे का यूनिक सिविल ऐप पर, ऐप का लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, तो यूनिक सिविल ऐप पर 40 घंटे का कंप्लीट कंटेंट दे दिया है, बहुत आसान भाषा में, जैसे बोल रहा हूँ इससे ऐसे ही आसान भाषा में, बट थोड़ा टाइम लगा के क्योंकि यहाँ पर मुझे जल्दी जल्दी कई टॉपिक्स को बताने रहते हैं। अब बात कर लेते हैं नेविस वर्क पे। तो नेविस वर्क में कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्लैसिंग के बारे में, क्लैसिंग निकालते कैसे हैं, क्लैसिंग से निकालने से बेनिफिट क्या होता है, क्लैसिंग की रिपोर्ट कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि क्लैसिंग सॉल्व हो गया कि नहीं, तो क्लैसिंग से क्वेश्चन पूछने वाले हैं ठीक से, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे एनिमेट कैसे करेंगे टाइम को वर्क अकॉर्डिंग, मतलब कि कितने समय में क्या बन जाएगा, इसके लिए एनिमेट कैसे करेंगे, सेक्शन को कैसे कट करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछना फिक्स है नेविस वर्क के अंदर। और नेविस वर्क के क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको पूछा जा सकता है जो 5D का काम होता है, क्वांटिटिफिकेशन करके कमांड होती है उसके अंदर, क्वांटिटिफिकेशन को कैसे यूज करेंगे, उससे क्या क्या डाटा रिजल्ट क्या क्या निकलने वाला है उसके बारे में। एक्चुअली में देखा जाए तो तीन ही काम है जो नेविस वर्क के अंदर फुल्ली तरीके से होते हैं, मतलब जो मेन काम है, क्योंकि मॉडलिंग तो वहां करना नहीं है। पहला काम क्या है कि एक वॉक थ्रू बेहतरीन तरीके से क्रिएट कर सकते हो एनिमेट करके, कब कितना काम कंप्लीट हो जाएगा, देखा होगा आपने कुछ वीडियोस यूट्यूब पे कि फुटिंग आ रही है, कॉलम आ रहा है, बीम आ रहा है, स्लैब आ रहा है, तो ये काम ये कर सकते हो। दूसरा काम आप उसके अंदर क्लैसिंग्स निकाल सकते हो, तीसरा काम क्वांटिटिफिकेशन कर सकते हो, मेनली यही तीन काम है। तो आप इन तीन काम पे अगर फोकस कर ले तो आपका नेविस वर्क सफिशियंट है, ठीक है, और इतना करने आपके लिए मतलब इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज सफिशियंट। नेविस वर्क में आप मैनेज जो नेविस वर्क का मैनेज सीरीज है उसको यूज करते हैं, आप नेविस वर्क के मैनेज के अंदर ही आपको सारे टूल्स मिल जाते हैं, फ्रीडम में क्या टूल मिलते हैं आपको जानकारी होना चाहिए, बट मैनेज के अंदर ही आपको चलाना चाहिए, तो मैनेज में आपका रेबिट कर नेविस वर्क का 2020 वर्जन काफी अच्छा है। तो ये थे मैंने कुछ कमांड्स डिस्कस किए आपसे, गाइस शायद आपके दिमाग में लगा होगा जो मैंने सीखा तो है, ये चीज नहीं सीखा हुआ है। मैं जनरली कमांड्स को ज्यादा प्रीफरेंस नहीं देता हूं, बट इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पढ़ के जाना पड़ेगा। तो आज का जो वीडियो था, इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि BIM के इंटरव्यू में सॉफ्टवेयर से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अब नेक्स्ट वीडियो मेरा प्लान है कि मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ के जाना चाहिए, ये सब तो हो गए कमांड्स, ठीक है, कमांड्स तो टूल है, ठीक है, लेकिन टूल भी कभी कभी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। होप आपको ये टूल का वीडियो अच्छा लगा होगा, इसमें से कई कमांड्स आपको पता होंगी, कई कमांड्स नहीं पता होंगी तो वही जाके उनको एक बार पढ़ लो कि अच्छा इस कमांड का यूज क्या होता है। मैंने ऑटोकैड कवर नहीं किया यहाँ पर, और मैंने सोचा ऑटोकैड का ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बनाया था तो जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो रेबिट का क्वेश्चन हमने कवर किया, नेविस वर्क का किया, टिकला का किया, नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूँ आपके लिए कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ के आना चाहिए, और ये कंप्लीट जो प्रिपरेशन बता रहा हूँ लगभग जितने भी एपिसोड इसके चलने वाले हैं, इस एपिसोड का अगर आपको चाहिए कि सर क्या बोलते हैं एक साथ पूरा का पूरा कंटेंट मुझे मिल जाए, तो आप गूगल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं, या फिर BIM का जो वीडियो कोर्स है यूनिक सिविल ऐप पर अवेलेबल है तो वहां से भी आप कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत। किसी भी क्वेरीज के लिए टीम का नंबर दिया हुआ है, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर लीजिए, और गुरुकुल की न्यू बैच 25 जुलाई से स्टार्ट हो रही है, जिसका कल एक डिटेल वीडियो आएगा, उसको भी आप देख लीजिएगा कि क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे कैसे पढ़ेंगे। चलिए जय हिंद जय भारत।